ब्रह्मांड के रहस्यों को जानने से लेकर चिकित्सा, कृषि, जलवायु विज्ञान और ऊर्जा प्रबंधन में क्रांतिकारी प्रगति लाने तक की बात की जाए तो भारत की सुपर कंप्यूटर यात्रा तकनीकी नवाचार के शिखर का प्रतिनिधित्व करते हुए हमें आधुनिक प्रगति के नव पथ पर आगे बढ़ा रही है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन का संचालन मीटी और डीएसटी द्वारा संयुक्त रूप से किया जा रहा है तथा इसका क्रियान्वयन सीडेक और आईआईएससी द्वारा किया जा रहा है। सुपर कंप्यूटिंग सेंटर परम शिवाय की शुरुआत से नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन को गति मिलेगी। आत्मनिर्भर भारत की विरासत को आगे बढ़ाते हुए एनएसएम के चरण 3 के तहत सीडैक देश भर में परम रुद्रा नामक अत्याधुनिक सुपर कंप्यूटिंग सिस्टम को स्थापित कर रहा है। ये सिस्टम रुद्रा सर्वर पर आधारित है जो भारत में डिजाइन, विकसित और निर्मित है। सीडैक ने अंतर विश्वविद्यालय त्वरक केंद्र दिल्ली में 650 रुद्रा सर्वर वाला 3 पेटाफ्लॉप का सुपर कंप्यूटिंग सिस्टम लगाया है। यह सुविधा चिकित्सा, ऊर्जा उत्पादन, पर्यावरण निगरानी आदि क्षेत्रों में शोध को समर्थन देगी और आईयूएसी के तहत 350 से अधिक संस्थानों के शोधकर्ताओं को सहयोग करेगी। महाराष्ट्र में स्थित राष्ट्रीय रेडियो खगोल भौतिकी केंद्र एनसीआरए द्वारा संचालित विशाल मीटरवेव रेडियो टेलीस्कोप जीएमआरटी की बात करें तो यह दुनिया का एक सबसे बड़ा और सबसे संवेदनशील रेडियो दूरबीन है। सीडैक ने एक पेटाफ्लॉप परम रुद्रा सुपर कंप्यूटिंग सिस्टम को संचालित किया है जो जीएमआरटी की लघु और मध्यम रेडियो आवृत्तियों के प्रति संवेदनशीलता को बढ़ाने वाले जीपीयू से लैस है। इससे रेडियो खगोल विज्ञान और इंटरस्टेलर माध्यम में उन्नत अध्ययन की संभावना को पंख लगेगा। एसएन बोस राष्ट्रीय मूल विज्ञान केंद्र कोलकाता में 838 टेराफ्लॉप वाले परम रुद्रा सुपर कंप्यूटर में 180 रुद्रा सर्वर लगे हैं जो शोधकर्ताओं को पदार्थ विज्ञान, पृथ्वी विज्ञान, उच्च ऊर्जा भौतिकी, ब्रह्मांड विज्ञान और खगोल भौतिकी जैसी जटिल समस्याओं का समाधान करने में सहायता करेंगे। यह सिस्टम कोलकाता और उसके आसपास के विभिन्न प्रमुख अनुसंधान संस्थानों में व्यापक स्तर पर उपयोगकर्ताओं को भी सेवा प्रदान करेगा। ये तीनों परम रुद्रा सिस्टम सीडैक के सिस्टम सॉफ्टवेयर स्टैक द्वारा संचालित है जो आसान प्रावधान, सही तरीके से वास्तविक समय निगरानी और प्रबंधन प्रदान करते हैं। इससे उन्नत सक्षम कंप्यूटिंग में आत्मनिर्भरता की दिशा में एक नया अध्याय शुरू होगा जो अंततः एक्सास्केल की ओर आगे बढ़ते हुए तकनीकी विकास की एक नई कहानी लिखेगा। सुपर कंप्यूटर जो उन्नत अनुसंधान और डेटा विश्लेषण के लिए उपयोग किए जाते हैं कृषि क्षेत्र पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालेंगे। इन शक्तिशाली एनएसएम प्रणालियों का उपयोग करके शोधकर्ता उन्नत बीजों का विकास कर सकते हैं, उर्वरकों में सुधार कर सकते हैं और मिट्टी की गुणवत्ता को बढ़ा सकते हैं। सुपर कंप्यूटिंग अधिक सटीक मौसम पूर्वानुमान को भी सक्षम बनाती है जिससे किसानों को उपयुक्त निर्णय लेने में मदद मिलेगी। ये प्रगति अंततः फसल उत्पादन को बढ़ाती है, संसाधनों के उपयोग को अनुकूलित करती है और किसानों की आय में वृद्धि करती है जिससे कृषि में विकास और स्थिरता को बढ़ावा मिलेगा। भारत ने एचपीसी प्रौद्योगिकियों में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। यह भारत के सुपर कंप्यूटरों की यात्रा है। नवाचार दृढ़ता के साथ ही बड़ी चुनौतियों को हल करने में असीम संभावनाओं से भरे एक ऐसे भविष्य की कहानी जिससे मानव जाति के लाभ के लिए अनुसंधान की गुणवत्ता में वृद्धि होगी। एनएसएम गर्व के साथ अपनी स्वदेशी रूप से डिजाइन, विकसित और निर्मित सुपर कंप्यूटर श्रृंखला का पहला संस्करण लॉन्च करने की घोषणा करता है रुद्रा। हमारा संकल्प आत्मनिर्भर भारत, विकसित भारत।